नहीं देखा तो चैनल पे देख लेना, एंड चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाला है। और मीनू शो का कल के जो 3 अपडेट्स था वो मैंने दिया था, लेकिन और भी कुछ अपडेट्स हैं मैं नहीं दे पाया, तो वो पॉइंट्स भी आज कुछ टाइम बाद में एक वीडियो बना के कवर कर देंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना सब्सक्राइब करके, क्योंकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपके पास पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोला, पहले मर्टी सेन ने ये क्लियरली बोल दिया कि अगर जो मीनू शो कल एसर का हुआ था, अगर कोई लाइव देखना चाहते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, अगर कोई लाइव देखना चाहते हैं कि क्या हुआ था या खुद देखना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग मार्टी सर के चैनल पर है और रेड सर के चैनल पर भी है। तो अगर आप चाहते हो आप जाकर देख सकते हो, लेकिन आपको तब उसके लिए बैक ऑफिस जाना पड़ेगा, एंड बैक ऑफिस जाके अपडेट सेक्शन चेक कर लेना, वहाँ पर डिटेल्स है, एंड शायद जेफरी मॉरलॉक सर का भी कुछ वीडियो है, ठीक है। तो ये जाओ ofounders.net पे जाके अपडेट सेक्शन चेक कर लो, वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको ये सब वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो तो मीनू शो का एस्टर का फुल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उन्होंने हर एक के साथ क्या बात किया, क्या नहीं किया, सब कुछ। उसके बाद रेड सर ने क्या बोला कि रेड सर ने बोला 7 days का जो रिकैप था वो बता दिया कि लास्ट 7 days में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, बहुत अच्छा था। रेड सर इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक के बाद एक सब कुछ बोलते हैं। वो बोल रहे थे कि नॉट सेम, मैंने अदर्स कंपनी के साथ आप मिक्स्ड मत करो हम लोगों को, हम अदर्स कंपनी जैसे नहीं है, ठीक है। हमारा प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, हमारा विजन डिफरेंट है, हमारा गोल अलग है, ठीक है। हम जैसे बना रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, वो भी अलग है, हैं हमारा कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, मॉडल है, वो भी अलग है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, किसी के पास इतना ज़्यादा फाउंडर्स ही नहीं है, तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी कोई कंपनी के साथ जो इतना बड़ा है, जिसका एक ही CEO है, मतलब एक ही ओनर है, एंड उसके बाद फाउंडर्स भी नहीं है, 2-3 वही फाउंडर है, वही सब कुछ है, ठीक है। उसके पास सिर्फ, तो हमारे जैसा नहीं है, तो डोंट मिक्स विद अदर्स कंपनीज, ठीक है। अदर्स कंपनीज साथ आपनी हम लोगों के साथ ये मिक्स्ड मत करना, ठीक है। ओन पैसिव इज डिफरेंट, ठीक है जी, ठीक है। तो ये था पहला चीज़ रेड सर ने बताया, बहुत और भी पॉइंट्स बोला था, मैं ऊपर में आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो क्रिस जॉनसन सर थे, क्रिस जॉनसन सर ने बोल रहा था नेगेटिव पीपल के बारे में, वो और अच्छा पॉइंट कवर अप किया कि नेगेटिव पीपल, देखो मैं भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर या पिछले वाला बहुत वीडियो थे जहाँ पे बहुत लोग नेगेटिव पीपल थे जो कमेंट करते थे, ठीक है। मैंने सभी को क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों का रिप्लाई देने का कोई काम नहीं। हाँ, जो अच्छे कमेंट करते हैं उन सभी को मैं रिप्लाई देता हूँ, लाफ रिएक्ट देता हूँ, ठीक है। अच्छा कमेंट करते हैं तो थैंक यू भी बोलता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव पीपल को मैं कभी आंसर नहीं देता। एंड वही एसर ने बताया, जब पूछा था एसर को नेगेटिव पीपल के बारे में कमेंट करते तो क्या करना चाहिए, तो एसर ने बोला सिंपल ओके लिख दो या कुछ भी ना लिखो, ठीक है। जब बहुत कुछ बोल रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होंगे, उसके साथ बात करो, फिर रिप्लाई, फिर बात करो, तो इसमें तो आपका टाइम जाएगा ना, तो ये सही नहीं। क्योंकि देखो ऐसा ने ऐसे एग्जांपल दिया, सबसे बड़ा कंपनी का नाम बताओ, तो बोला देखो माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न कंपनी है, या एप्पल आईफोन का कंपनी है, ये सब बड़ी, गूगल है, तो ये सब अगर इसके बारे में कोई नेगेटिव बोलते कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है, तो कोई विश्वास करेगा क्या, नहीं करेगा। क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उसके पास भी ये पहुंच जाएगा, कोई यूट्यूब में आकर बोलेगा भी, और ये अगर वो कंपनी देखते भी है, अगर गूगल भी देखते, तो वो भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इन सब के चीज़ लिए उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। वो बोलते छोड़ दो, जो करना है करने दो, ये सब ध्यान मत दो। तो वैसे ही है कि हम ऐसे पहुँच गए कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसमें कोई नेगेटिव पीपल है, वो एक उसका जिसका कोई ऐसा ने ऐसे बोला कि जिसका कोई क्या बताओ, मतलब इस फील्ड से कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट एनोनिमस पर्सन है, मतलब जिसका नाम नहीं है, जिसका फोटो नहीं है, कौन रहता है, कहाँ रहता है, क्या करता है, किसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो आके कुछ भी आके बोल रहा है, एंड आप उसका रिप्लाई देने में बिजी हो, तो वो सही नहीं है, ठीक है। अगर बोलना है तो आप सामने आओ, आपका नाम बताओ, कहाँ रहते हो बताओ, आपका फोटो दिखाओ, फ़ोन पर बात करो या वीडियो कॉल पर बात करो डायरेक्टली फ्रंट ऑफ मी, तब पूछो क्या पूछना, डायरेक्टली पूछो तब मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो बताया माइकल विलियमसन ने, जो बताया
वो बता कि एस सर के बारे में बता रहा था कि एस सर जो जो है ऐसा सीईओ कभी नहीं देखा जाता, जैसे ही केयर फॉर ऑल ऑफ अस, वो सभी के लिए केयर करते। जैसे कल बता रहा था जब एस सर बोल रहे थे कि हम सिर्फ आप लोगों को नहीं जानते हैं, ठीक है, आपका फैमिली के बारे में भी जानते हैं। जो लोग हमारा लीडर्स लोग हैं जिनके साथ वो बात करते हैं, वो सिर्फ उनके बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो उसके फैमिली के बारे में खोज रखते हैं कि इसका माँ कैसा है, किसके माँ की तबीयत खराब है, किसके बच्चे कहाँ पर रहे, क्या कर रहे हैं, जो जो बोलते हैं वो हमेशा उसके दिमाग में फिट हो जाता है एंड वो याद भी रखते हैं। सच में स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस पावर। इसके बाद उन्होंने यही बोला कि जो 1 घंटे के दो 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट के लिए आते हैं, लेकिन 1-2 घंटे कटा, कभी कभी 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटे भी हो जाते, वो कंटिन्यूसली एक ही चेयर पर बैठे रहते हैं, लोगों का बात सुनते रहते हैं, क्या पूछ रहा है वो पेशेंट्स के साथ सभी को रिप्लाई देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लो उसको नहीं आंसर देगा ना, जो भी पूछते हैं उसके बारे में हर एक चीज़ का जैसे इंपॉर्टेंस है जैसे ही आंसर देना चाहिए वैसे देते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन पैसिव के बारे में बोला कि जो लोग कंफ्यूज है, जो लोग सोचते हैं कि क्या है क्या नहीं है, इतना दिन क्या लग रहा है, ये क्या होगा, इतना ज़्यादा सक्सेस क्या हो पाएगा, तो आप जाके देखो वेबसाइट को, दिस इज़ अ रियली दिस इज़ अ डांडिल, ऐसा वेबसाइट आपको कहीं नहीं भी मिलेगा, आपके पास जो फैक्ट पड़ा है वो चेक कर लो, ऐसा फैक्ट भी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कंपनी था वो है लेकिन हम उनके जैसे नहीं है, हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो तो हमारे पास यूनिक है, जो मार्केट में प्रोडक्ट है वो फीचर्स अलग है, हमारे पास फीचर्स अलग है, हमारा बिजनेस मॉडल अलग है, ठीक है, ओ कनेक्ट या ओ ट्रीम, ओ ट्रैकर, ओ मेल, ओ नेट, सभी चीज़ का एक ही सिस्टम है, इको सिस्टम। आप एक बार लॉग इन कर लो, आप फुल सिस्टम में घुस जाओगे और लॉग इन करने का ज़रूरत नहीं, ऐसा सिस्टम किसी ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो ऑन पैसिव का मतलब क्या है, ऑन पैसिव का मतलब है वैल्यू है, अगर आप आ रहे हो हम आपको क्या बदले में दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, आप पैसा दे रहे हो, प्रोडक्ट खरीद रहे हो, प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है उसके साथ वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, तो हम उस वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, सक्सेस भी हो रहा है एंड आपका सपना यहाँ से ही सक्सेस होंगे, सफल होंगे, अगर यहाँ से नहीं तो कहीं से भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप नहीं हमारे जैसे बहुत लीडर्स लोग जुड़े भी हैं, जैसे सुपरकर मजलिस था वहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स था, या ग्लोबल का कोई सेलिब्रिटी या कोई भी बताओ जो वहाँ पर देख रहे थे, जो पिछले वाला जो सेमिनार कमिनार हुआ था वहाँ पर भी आए थे, तो बहुत ऊपर लेवल का लोग जुड़े हैं, सब पागल नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो ख़त्म करते हैं, बहुत अच्छा अपडेट्स था, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्त के साथ, ग्रुप में शेयर करो एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।